सिद्धू मूसेवाला के परिवार को लेकर एक खबर सामने आ रही है। खबर ये कि मूसेवाला के परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि परिवार को इसका असर होने से पहले ही साजिश का पर्दाफाश हो गया, जिसको लेकर पिता बलकौर सिंह ने इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज भी करवाया है। ये मामला सिद्धू मूसेवाला की मां और गांव के सरपंच चरण कौर के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाकर पेंशन लेने का है। सरपंच के पति बलकौर सिंह की शिकायत पर मानसा के सिटी 2 थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फाजिलका के गांव लंडूका निवासी वीरपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर के आधार कार्ड से छेड़छाड़ की गई है और उसकी फोटो बदलकर फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र बनाकर विभाग को भेजा गया, जिस पर अपने हलके की सरपंच रही चरण कौर के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगी हुई है। पता चलने पर इसकी जांच करवाई जा रही है। इसी बीच ये भी पता चला है जिस महिला के लिए पेंशन के लिए हस्ताक्षर किए गए वो मूसा गांव की है ही नहीं, और इस मामले में आरोपी ने CDPO दफ्तर अंगहीन पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इस दौरान सारे दस्तावेज फर्जी लगाए गए, यहाँ तक कि सरपंच की मोहर और साइन भी फर्जी निकले। अब पूरा मामला कुछ यूं है कि विकलांगता पेंशन श्रेणी के लिए एक महिला द्वारा CDPO कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन किया गया और इसके लिए उसके सारे दस्तावेज फर्जी बताए गए। ना केवल दस्तावेज बल्कि सरपंच की मोहर और हस्ताक्षर भी फर्जी थे। इसकी जानकारी 17 फरवरी को जब सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को हुई तो उन्होंने अपने पूरे गांव में आकर जांच की, लेकिन इस महिला का कुछ पता नहीं चला। मामला गंभीर होता देख उन्होंने 21 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पंजाब पुलिस ने करीब 2 महीने तक इस मामले की जांच की है। फिलहाल अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर पहले भी सुर्खियों में आ चुकी हैं। IVF के जरिए मां बनने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और उसको लेकर भी सिद्धू मूसेवाला के माता पिता काफी विवाद में घिरे थे, और अब उनके नाम को खराब करने के लिए एक नए विवाद ने जन्म लिया, जिसको समय रहते ही पकड़ लिया गया और बलकौर सिंह ने इसकी FIR दर्ज करवाई है।